सावरियो लेली भी चकलाठी में हाथ कलश्या उतारण बैठो साखवे चकलाठी क्या न कहे जके चाकन घुमाऊं भी लकड़ी कुमार के सौ बड़ी तोप भी टाइम पाई कोई आदमी छेड़ दे तो कहते चकलाठी देख ली तू। हाँ तो चकलाठी ने लेकी सगली माटी एक सागत तगार मु काट और भी चाक पर मेल ले और भी का बर्तन बनाना भगवान शुरू करे कि सामरियो बढ़िया गागर माट कलश्या उतारिया पूरा 150 तो भी माटी का कलश्या बना दे और बाकी का गेलड़िया और कुलड़िया और ढोबला और बना के सगली माटी ने बिल्ले। अब प्रजापत जल्दी से बाकी बावली रोटी बोगी लाके और भगवान ने बोले भगवान बाबा जी ए तो तारा रोटा फोटो पार चलो। भगवान बोले रे तौड़ क्या करे तेलो काम तो मुख करती हूँ अब तगार में देखे तो तगार खाली अब तगार दिखता है खाली दी क्यों और प्रजापत फट दौड़ो हो गया। प्रजापत कहने लगे रे बाबा जी मैं पहले दिन माटी लाऊं और पूरे दिन माटी में गाड़ू जिना बाप दूसरे दिन तक तैयार हो और फिर मैं पूरा दिन लागे रहूं जना 150 कड़शिया तैयार हो मेरी माटी को सत्यानाश कर दियो मन तो मैं पांडू फांसी देसी। भगवान कह लगे बोले तू देख ले रोटी खुआई भी लाए भी पर सगड़े गाँव ने सुना के ए कोई मैं नाइन्थ में पढ़िया कर दो जो की बात है जो और सौ गाँव जाड़ो ना मारे फते पर कर एक एक राम कुमार जी नाम थोरी जाट मैं जी पड़ी राख था मैं फते पर पढ़िया कर दो तब बोले यार चाल किरायो छोड़ गया रूखस्त्र गाँव है कड़वारी मैणा सर के करने मैं यार मैं तो स्कूल में जैसे बोले यार आप बाहर छोटे से अब मैं भी कड़वारी मैणा सर तो किराया छोड़ने लगे पाँच आया जरा भूख लगे अब तो हर गांव में दुकान डील भी स्कूटर मिले पहले मिलता को नहीं हम गया राम कुमार जी भूख लगे बोले यार गांव को तो खुआ पा रोटी खुआ दिया तो कड़वारी के मामे मिश्रा तो ना एक उतरा थे बारने को घर हो एक जाटा को फिर मैं एक जाटनी रोटी पोए राम कुमार जी कर गाड़ी बन बोले आ जाने अब राम कुमार जी आ कर मन ले राम कुमार जी घरा बढ़ता है अरे वाह जाटनी बोली कौन सा गाँव बोले जी गाँव तो फते पर बोले आया क्या बोले जो टपरी भूख लग रही है रोटी को बोले क्यों मेल की गई होगी बोले मेल की गई रोटी पूरा हो गर्बान की बैठे हो बोले बाजरो दौरा बहुत है या करती करती मड़ी गाल खड लगे और राम कुमार जी सामने खड लगो अब सरकता सरकता में पाछा बार ना आ गया काम का भेड़ा हो गया बोले क्या गाल खड राम कुमार जी बोले गए घर आएंगे रांड जो रोटी मांगता है गाल खड गए अया करता करता भी को पत्ती दे गेड़ो खेत में सो अपना निनाण कर बख्शी टाइम है अभी कह ताक तो जाड़ा हाथ में अरे कशियो अरे गाँवकार बोले क्या बेड़ा भरिया हो रामकार जी बोले जी एक एक रहे रांड रोटी मांगता है गाड़ा खड़े बोले जी घर मेरा ही है गाँवकार बोले थे तो जाओ हो और मन बोले आगे ना जाओ बा जाड़ा घेर की और फिर घर वाले ने बोले चाह बना के लिया बा पिड़ 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 करती गई और काड़ो पेड़ो चाह को टोपो बना के लिया फिर वो आदमी संबंध काट दे राम कुमार जी कौन सो गाँव बोले जी फतेहपुर कौन सो और सा हो बैठना करता करता बोल लुगाई भी राम कुमार जी को सागी और बुहार सासू की बेटी साड़ी वो पति देव आगे जाके बोले थाला जीजो जी बोले रिटर्न थोड़ा टाइम लगे गो वो आके बोले जी टाइम लागे राम कुमार जी बोले कोई बात कर अब आधे घंटा ने आलू बनाए और खीर बनाई लिया की थी राम कुमार जी बोले कसम रोई भी अपन पूरा गाँव ने सुना की रोई है भगवान कह लगे देख रोटी लाए भी तू पर पूरा गांव ने सुना की लाए पहले ले दे तू भगवान कह लगे प्रजापत भगवान का सगड़े माटी का कलश्या और सोने का बना दे ऊपर एक चादर उड़ा दे पहले अभी चादर के नीचे कलश्या जाके तू देख ले अब उठा की प्रजापत देखे तो सगड़ा कलश्या सोने का चमकड़ने लागे भगवान कह लगे बोले रे क्यों प्रजापत कह रहा हूं माड़ा बने बांका बावला तो तू उदास गया है प्रजापत बोले जे बाबा जी एकलशिया मैं ले गो और जे मैं पांडू देख लिया और मन कहना तन रोजी ना इया लगा लेना है तो बोले वो मैं तन्ने के ठेव देख के लेऊंगा मैं तो आ सोचतो सोचतो उदास हो गो भगवान बोले अब क्यों ही कोनी कहे बे पर पांडू तने क्यों ने क्यों इनाम दे से अब प्रजापत बोले ऊख ले सिर दे लियो जना गमके को के डर इनाम में के मांगनो को और बता दो बोले जे पे तने पांडू क्यों कह तो तू पहले के दिया करे तो बोले भाई शेर जुमार दिया करे तो बस शेर जुमारी मांग ले और जे वो बोली जिद्दी करे तो तू बांकन वचन बनवा ले और जे वे पांडूड़ा वचन दे दे तो तू शावकर्ण घोड़े का दर्शन ले प्रजापत बोले वाह वाह के तो घोड़ा ही घोड़िया घोड़िया फिर मन के शावकर्ण कौन सा कोई सैनानी बताओ पहचान बताओ भगवान कहना क्या प्रजापत जग के घोड़े के पांच मुंडा
वही श्याव कर। प्रजापति बोलो ठीक है बाबू जी कर शीशो काम। तो कह तो सुधिया सुधिया जाया कर तो अर जगह देने क्यों मठलायो। प्रजापत चाले है अर के प्रजापत चाले अर के वार्ता बने अर के अपनी राम सभा सुने।